टाइटैनिक अपने समय का दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री जहाज था। यह उस समय इंसान द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी चीज थी। टाइटैनिक जहाज को 31 मार्च 1909 को 3000 लोगों की टीम ने बनाना शुरू किया और सिर्फ 26 महीनों में यानी कि 31 मई 1911 तक इसे बना डाला। यह जहाज 3 फुटबॉल के मैदानों जितना बड़ा था और 31 मई 1911 को इसे देखने के लिए 1,00,000 से ज्यादा लोग आए थे। टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथहैम्प्टन से न्यूयॉर्क की ओर रवाना हुआ। 4 दिन सब ठीक ठाक चलता रहा, पर 14 अप्रैल 1912 को रात 11:40 पर यह एक आइसबर्ग से टकरा गया और इसके निचले हिस्सों में पानी भरना शुरू हो गया। जहाज के हिमपर्वत से टकराते ही जहाज पर खौफ का माहौल पैदा हो गया। जहाज पर मौजूद लाइफ बोट से बच्चों और औरतों को सुरक्षित जहाज से उतारा जाने लगा। आइसबर्ग से टक्कर के लगभग 2 घंटे 40 मिनट बाद यह जहाज पूरी तरह से समुद्र में डूब गया।